मोदी सर कानून किसान से लिखा हुआ कार्यकर्ता किसान से निकले है मेन बाजारों में घंटों के चौक पर और पुरानी सब्जी मंडी के नजदीक पहुंच चुके हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस कॉल पर इस कॉल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं नहीं तो सीधे देख सकते हैं कुछ लोग हमसे जाना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे जो आपका प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज हमने किसान जथेबंदियों की ओर से जो भारत बंद का आह्वान था उसको देखते हुए आज करनाल शहर में हम पूरे किसान जथेबंदियां एकत्र हुए हैं और आज हम पूरे बाजार बंद करा रहे हैं। व्यापारियों से आग्रह कर रहे हैं, दुकानदारों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि वो अपनी दुकानें बंद रखें और किसानों के संघर्ष में अपना सहयोग दें, क्योंकि आज अगर हम अपने घर में रोटी खा रहे हैं तो किसान की वजह से खा रहे हैं, मजदूर की वजह से खा रहे हैं। जो किसानों में जो सारा साल अपनी मेहनत से वो रोटी हमें तैयार करके देते हैं, तो आज इस संघर्ष में हमें सबको साथ मिलकर चलना चाहिए और मोदी सरकार को दिखा देना चाहिए भारत देश एक रूप है। किसानों के हक में अपनी दुकानें बंद करें, किसानों के साथ जुड़वा रहा है, किसानों को सारी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में काले कानून लागू जा रहे हैं। उन किसानों को और कानूनों को रद्द कराने के लिए सभी भाइयों से निवेदन है कि सभी भाई हमारा साथ दें ताकि ये काले कानून रद्द करके देश को एक प्रगति के पथ पर लाया जा सके। जय जवान। जरूर शेयर कीजिए और लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से दुकानदारों से अपील करते हुए सभी दुकानों में बंद किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि मोदी सरकार को समझ जाना चाहिए जो ये किसान हजारों हजार मिलों से पहले आज दिल्ली के अंदर बैठे हैं और आज जो ये आंदोलन है ये केवल एक किसान का नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के जो 135 करोड़ लोग हैं ये 135 करोड़ लोगों का आंदोलन है और इस आंदोलन के अंदर चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे कोई दुकानदार है, हर वर्ग इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि हर वर्ग जानता है कि यदि इस देश का अन्नदाता भूखा रहेगा तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और आप सब जानते हैं कि किसान के यदि दो बेटे हैं उनमें से एक बेटा अन्नदाता बनके इस किसान बनके वो देश के लिए अनाज पैदा करता है और दूसरा बेटा सीमाओं पे जाके देश की रक्षा करता है। और आप मोदी जी जिस तरीके से किसानों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, जब पूरे देश का किसान आपके इन तीन काले कानूनों को जो आपने अडानी और अंबानी के दबाव में बनाए हैं, जब पूरे देश का किसान इनके खिलाफ है तो आप इनकी बातों को क्यों नहीं मानते? आप जानते हैं कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साफ लिखा है कि जो भी सरकार बनती है वो सरकार फॉर दी पीपल, ऑफ दी पीपल, बाय दी पीपल होती है। जब इस देश के लोग ही नहीं चाहते कि ये किसान नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि ये कानून इस देश में लागू हो, तो आप क्यों इनको लागू कर रहे हैं? क्योंकि छोटा दुकानदार भी ये जानता है कि ये अडानी अंबानी जिस तरीके से बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खोल के बड़े बड़े अनाज के भंडार जो वेयर हाउसेज है इन्होंने उनको ले लिया, ये सारे के सारे अनाज को इकट्ठा करके क्योंकि आपने लिमिट खत्म कर दी छोटा दुकानदार बर्बाद हो जाएगा और ये भंडार वहां पे भर के पूरे के पूरी ब्लैक मेलिंग करेंगे अनाज की और आम गरीब से गरीब उपभोक्ता को भी वो अनाज ब्लैक के अंदर मिलेगा। आप किस तरीके ये बोल सकते हो कि ये कानून किसानों के हक में है? ये बिल्कुल भी ना किसानों के हक में है। देख सकते हैं कि कानून जो है किसानों के हक में नहीं है। इस तरह की बात करते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इस खबर में अदालत में आना जरूर शेयर कीजिएगा। तमाम किसान संगठनों के जो कार्यकर्ता है वो मेन बाजारों में पहुंचना शुरू हो चुके हैं, दुकानदारों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि दुकानें बंद की जाए, भारत बंद के किसानों के समर्थन में सफल बनाने का आह्वान करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर में हैं इस खबर को शेयर जरूर करें।
एक तरफ सिंगू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर किसान बैठा है, आंदोलन कर रहा है और पूरे देश में भारत बंद का आह्वान है। ये देख सकते हैं दुकानें बंद करते हुए नजर आ रही है तमाम दुकानदार, क्योंकि 11 से 3 बजे तक का वक्त दिया गया है किसानों की तरफ से, और ऐसे में शांतिपूर्वक तरीके से इस भारत बंद को आगे बढ़ाया जाए, हिंसा ना हो, अप्रिय घटना ना हो, इस बात की अपील करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी करता है। तमाम किसान संगठन जो इस समय बाजार में निकले हुए हैं करनाल के, वो लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, आप लोग बातचीत कीजिए, लेकिन आप लोग किसी भी तरीके से इसको सफल बनाइए। और हाथ जोड़कर आप देख सकते हैं कि दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तमाम किसान संगठन अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ नेताओं के साथ मिलकर, क्योंकि कुछ राजनीति आ रहा है। 11 से 3 यानी कि 4 घंटे समय हो गया है, 10:30 यानी कि तकरीबन 4.5 घंटे तक ये बंद रहेगा। कल मीटिंग है, कल दिल्ली के विज्ञान भवन में मीटिंग है, और वो मीटिंग अगर सफल हो जाती है तो शायद ये आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन लगातार 5 दौर की बैठक होने के बाद कल 6 दौर की बैठक है, और 6 दौर की बैठक में क्या कुछ निकलेगा ये एक बड़ी बात है। लेकिन उससे पहले ये बंद का आह्वान किया गया किसानों की तरफ से, और किसानों के साथ साथ तमाम ट्रेड यूनियन, तमाम अलग अलग सामाजिक संगठन, तमाम अलग अलग एनजीओ, तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियां समर्थन करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चाहे युवा किसान हो या फिर और किसान, उन्होंने आज जो बंद का आह्वान किया है, अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। बड़े बड़े जो शोरूम है आप देख सकते हैं कुछ घंटों के लिए बंद हो गए हैं, हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़कर अपील की जा रही है शांतिपूर्वक तरीके से, शांतिपूर्वक करनाल जी। असी हाथ जोड़ के करनाल वासियां नूं बेनती करने हैं कि अजे भी साडे संघर्ष दे नाल चलण, सब का साथ देन, दुकाना बंद कर, एक दिन दुकान बंद कर फर्क नहीं पैना, तो हाथ जोड़ के बेनती है बंद करो प्लीज। आपकी क्या राय है? हमारी राय सभी व्यापारियों से कि हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जय जवान जय किसान का जो नारा है, सभी व्यापारी भाई भी इसका साथ दे और इसको कामयाब बनाए। जो आज भारत बंद का नारा है, इसमें सभी व्यापारी भी किसानों का, मजदूरों का, सभी का साथ देके इसको सफल बनाए। आपको लगता है भारत बंद सफल हो पाएगा? बिल्कुल सफल हो पाएगा सर। व्यापारी सभी आप देख सकते हैं कि भारत बंद में सभी चाहते हैं कि साथ दिया जाए, इसलिए किसान सड़क पर है, तमाम सामाजिक संगठन सड़क पर है, और ऐसे में तमाम पुलिस बल भी तैनात किए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना कोई ना हो सके। अलग अलग नारेबाजी है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी है। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का प्रोग्राम होने से पहले विरोध हो गया, यानी कि आज प्रोग्राम था, उससे पहले पाडागांव में कल रात को विरोध देखने को मिल गया, यानी कि जहां पर टेंट लगाया गया था कार्यक्रम के लिए वो बंद कर दिया गया। फिलहाल आप देख सकते हैं दुकानें बंद की जा रही है। शांतिपूर्वक तरीके से कोई भी आंदोलन हो, कोई भी प्रदर्शन हो, वो होना चाहिए। अगर उसमें हिंसा देखने को मिलेगी, उसमें लड़ाई झगड़ा देखने को मिलेगा, तो कुछ शायद ये कहीं ना कहीं एक भटक सकता है आंदोलन। जो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन होता है, तमाम जो दुकानदार है उनसे भी बातचीत करने का प्रयास कर, बंद कर रहे हैं दुकान आप भी? हाँ जी, क्या करें, बिल्कुल करना ही पड़ेगा दुकानदार का तो। एक तरफ हाथ जोड़कर आप देख सकते हैं किसान यहाँ पर भारत बंद के लिए आह्वान कर रहे हैं, दूसरी तरफ दुकानदार बंद कर रहे हैं। ये एकजुटता होती है और एकजुटता के कारण ही देश चलता है, व्यापार चलता है, किसान आगे बढ़ता है, सरकारें चलती हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार क्या किसानों के आगे विफल हो पाती है, यानी कि बातचीत कहाँ तक सिरे चढ़ती है। आप देख सकते हैं ये समय हम मेन मार्केट में है करनाल की, और यहाँ पर सारे के सारे करनाल के व्यापारी भाइयों से हाथ जोड़ के एक निवेदन भी है, और आप सब लोगों का धन्यवाद भी है कि आप सारे के सारे करनाल के जितने व्यापारियों ने आज इस बंद को
पूर्ण रूप से अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके जो समर्थन दिया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। यदि इस देश का अन्नदाता भूखा रहेगा तो सारे का सारा देश बर्बाद हो जाएगा। आप जानते हैं कि ये सारे कानून अडानी और अंबानी के कहने से बने हैं और ये अडानी अंबानी पूरे देश का जितना भी अनाज है और दूसरी चीजें वो बंद कर लेंगे, छोटे व्यापारी को और उपभोक्ता को और किसान को बर्बाद कर देंगे। हमारी तो आप सबके लिए बार बार जिस अच्छे तरीके से आपने पूरे बाजार को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है इसके लिए सारे व्यापारियों के लिए भाई तालियां बजा के मैं एक नारा लगाऊंगा, किसान व्यापारी मजदूर एकता, किसान व्यापारी मजदूर किसान एकता, व्यापारी मजदूर किसान एकता, किसान व्यापारी मजदूर कर्मचारी एकता, आप देख सकते हैं मेन मार्केट की जहां पर किसान आंदोलन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत बंद का आह्वान किया गया है, सराफा बाजार की तरफ किसान अपना रुख कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी हाल में आप लोग हमारा समर्थन कीजिए। समर्थन किस तरीके से आगे बढ़ेगा वो आप देख सकते हैं, लेकिन ये प्रदर्शन, ये भारत बंद का आह्वान कल के जो मीटिंग है उस पर बहुत प्रभाव डालेगा, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं झुकती हुई नजर आ रही है और इसी के चलते कल छठे दौर की बैठक है और छठे दौर की बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि लगातार पांच दौर की बैठक में कुछ नहीं निकला है और उससे पहले ये भारत बंद और भारत बंद के बाद क्या कुछ तस्वीर सामने आती है भारत की, उस किसान आंदोलन की जो लगातार सिंगू बॉर्डर पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आपको भारत बंद से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं बाजार की, मेन मार्केट की, जहां पर करण गेट मार्केट में दुकानें व्यापारी बंद करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक सहयोग होता है, ये एक दोनों के बीच संबंध होता है, व्यापारी के बीच किसान के बीच। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप बंद करवा रहे हैं दुकानों को? हम व्यापारी हैं फिर भी हम जिम्मेदारों की सपोर्ट में खड़े हैं। हम इसीलिए सभी व्यापारी भाइयों को ये समझा रहे हैं कि अपनी दुकानें 3 बजे तक बंद रखें, अन्नदाता को बचाने के लिए अपनी दुकानें बंद रखें। अगर अन्नदाता ही मर गया तो व्यापारी तो अपने आप मर जाएगा, क्योंकि जो रोजगार जो अन्न जिम्मेदार से आता है सारी की सारी मार्केट जो है वो हमारी एग्रीकल्चर पे टिकी हुई है। एग्रीकल्चर ही हमारा मेन सोर्स है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हमारे देश का मेन सोर्स है। अगर उसी को नुकसान होगा, अगर उस वो मरेगा तो सारी इकोनॉमी बैठ जाएगी। अगर सारी इकोनॉमी बैठते है कि मोदी सरकार दो आदमियों के हाथ में सारी इकोनॉमी को देना चाह रही है, जबकि वो छोटा बड़ा हर आदमी इससे कमा खा रहा है। सरकार से विनती है कि ये तीनों कानून अपने वापस ले और व्यापारियों को जिम्मेदारों को सबके लिए सोचे, क्योंकि इससे जो फायदा अभी लोगों को नजर आ रहा है कि इसका नुकसान जिम्मेदारों को होगा, नहीं, इसका नुकसान हर गरीब आदमी को होगा, हर दुकानदार को होगा, क्योंकि जिम्मेदार ही सबसे बड़ी इनकम है। शांतिपूर्वक तरीके से, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से बंद कराया जा रहा है। हाथ जोड़कर विनती की जा रही है कि दुकानें 3 बजे तक बंद रखे जिम्मेदारों के लिए। अच्छा, कल मीटिंग है, आपको लगता है इस बंद का प्रभाव कल की मीटिंग पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, अगर सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो 100% इस मीटिंग पे प्रभाव पड़ेगा। गवर्नमेंट ने ये मीटिंग भी इसीलिए 9 तारीख को रखी है क्योंकि वो 8 तारीख को देखना चाहती है कि जिम्मेदारों के पास कितना समर्थन है, जिम्मेदारों के पास कितना समर्थन है, दुकानदार उनका साथ देते हैं नहीं देते। अगर इस ये बंद में दुकानदारों ने हमारा साथ नहीं दिया और जिम्मेदार मर जाएगा, और जिम्मेदार मरेगा तो दुकानदार लाजमी मरेगा, ये बात ये दुकानदार सोच ले। मेरा नाम मनदीप सिंह है, मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, मॉडल टाउन में मेरी तीनों दुकानें सब बंद है 3 बजे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
देख सकते हैं जो युवक है वो आज रात पर आया है, ताकि दुकानदार जो है बंद का ऐलान जो है वो किसानों द्वारा किया गया था 8 दिसंबर को, और कल यानी कि 9 दिसंबर को मीटिंग जो है एक बार फिर से सरकार के अधिकारियों द्वारा जो है तय की गई है। और आप लोग देख सकते हैं फिलहाल अगर हम लोग मार्केट की तस्वीरें हम लोग आपको दिखाएं, करण गेट मार्केट में इस समय मौजूद है, जहां पर ऑलमोस्ट सभी दुकानें फिलहाल बंद हैं। जो दुकानें खुली थी उन दुकानों में खुद किसान यूनियन के जो यूथ के जो मेंबर्स है वे जा रहे हैं, ताकि लोगों से अपील कर सके और दुकानें जो है यहाँ पर बंद करवाई जा सके। लगातार लाइव तस्वीरें कनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम आप लोगों को दिखा रही है, और आप लोगों से अपील यही करती हुई नजर आ रही है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। 3 कानूनों के जो कि किसानों द्वारा काले कानून जिन्हें कहा जा रहा है उनके विरोध में लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब फिलहाल दिल्ली में जो है उनके द्वारा धरना दिया गया है, बॉर्डर सील किए गए हैं, 3 अलग अलग जत्थे जो है किसानों द्वारा बने गए हैं। 5 बार सरकार के अधिकारियों की और किसानों की बातचीत भी हुई, लेकिन उसके बावजूद कोई भी अभी तक निर्णय नहीं निकला है। 6ठी मीटिंग जो है वो कल यानी कि 9 दिसंबर को होने वाली है, और आज यानी कि 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान जो है किया गया था, जिसके बाद करनाल से हम लोग आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। करनाल की मार्केट से आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और वही किसान एकता सरकार किसान एकता व्यापारी कर्मचारी एकता। तो आप लोग देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या किसान यूनियन के जो यूथ मेंबर्स हैं, युवा है वो हो, वो सड़कों पर आज उतरे हैं। दुकानों की जो दुकानें आज खुली हैं उन दुकानदारों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, किसानों का समर्थन करने के लिए जो है आज उतरे हैं, और इनका भी यही कहना है कि सरकार को किसानों के हक का फैसला सुनाना चाहिए और जल्द से जल्द आना चाहिए। अन्नदाता जिन्हें कहा जाता है, जो कि पूरे देश भर में अन्न पहुंचा रहा है, वही आज सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर। हालांकि सरकार द्वारा संशोधन करने के लिए जो है सरकार तैयार थी, लेकिन फिलहाल किसानों का ये कहना है कि किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं चाहते हैं, वे चाहते हैं कि सरकार जो है 3 कानूनों को वापस ले, और इसे काटने लेकर किसान जो है अपनी बात पर अडिग है, और उनका जो धरना है वो दिल्ली में जारी है। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे आज आप? हम यही कहना चाहते हैं, सभी लोगों से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हमारा पूरा सहयोग दें, और ये 3 काले कानून बनाए गए हैं इसको वापस लेने में हमारा साथ दें। आज कौन कौन सर आप लोगों के साथ जी? कौन कौन आप लोगों के साथ आ सकते? सारी किसान यूनियन, सारे किसान है जितने भी हैं यहाँ पे, किसान मजदूर सब इकट्ठे हो गए हुए हैं, इसलिए कोई किसी का लेन देन नहीं है। धन्यवाद। तो आप लोग देख सकते हैं सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, कौन कौन आज यहाँ पर जो है किसानों को समर्थन के लिए सड़कों जी? आज कौन कौन किसानों के समर्थन के लिए सड़क? आज सारे धार्मिक संगठन, व्यापारी, आप देख रहे हैं सारी दुकानें आप ही बंद कर रहे हैं, हमें हाथ जोड़ रखे हैं, ये सब आज आप भी हमारे साथ हैं, आपका भी धन्यवाद है, आप भी हमारे साथ हैं, ये मेरे बड़े पूरा साथ दे रहे हैं। अगर व्यापारी की दुकान पे काम तभी होगा जब अगर एग्रीकल्चरिस्ट के पास पैसा आता है, तो ही इस देश की इकोनॉमी चलती है, तो ही व्यापार चलता है। हमारे सभी व्यापारी भाइयों से भी हाथ जोड़ते हैं, नो फार्मर्स नो फूड, नो फार्मर्स नो फूड, द ओनली थिंग कानूनों को वापस किया। हम बड़ी शांति से लगे हुए अपना प्रदर्शन बड़ी शांति से कर रहे हैं, बंद करवा रहे हैं, लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने हमारा साथ दिया बंद करने में, करवाने में, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं समेत मीडिया के। अब आप लोग देख सकते हैं किसान कुंजपुरा रोड की तरफ जो है जाते हुए नजर आ रहे हैं, और यही अपील सभी दुकानदारों से करते हुए नजर आ रहे हैं कि दुकानों को बंद किया जाए, किसानों का जो है समर्थन किया जाए। हालांकि अगर हम लोग करण गेट मार्केट की बात करें, व्यापारियों द्वारा भी जो है किसानों को समर्थन यहां पर दिया जा रहा है, और उनके द्वारा अपनी अपनी दुकानें जो है वो बंद कर दी गई है। लेकिन अगर हम लोग बाकी जगहों की बात करें, विदेशों में भी जो है किसानों का समर्थन करने के लिए जो युवा है, जो यूथ है, वे आगे बढ़कर आ रहे हैं। 8,000 जो गाड़ियां हैं वो विदेशों में भी जो है इसी तरीके से रैलीज कर रही हैं और किसानों का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। यानी कि अब ये केवल
भारत का ही नहीं बल्कि विदेश में भी एक मुद्दा बन चुका है। किसानों का समर्थन जो है हर जगह से लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और वही इस समय करनाल के हम लोग आपको लगातार ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप लोग देख सकते हैं, आप किसान जो है कुंजपुरा रोड की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। जो युवा किसान है, किसान यूनियन के जो मेंबर्स हैं, कांग्रेसी नेता हो, मजदूर हो, सभी जो है आज यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं। और किसानों द्वारा किया गया ऐलान भारत बंद का समर्थन जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप लोग लगातार दिमाग देखिए न्यूज पर देख रहे हैं। हमारी आप लोगों से अपील यही है कि इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। गुड़ मंडी की तरफ जो है अभी लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप लोग लगातार दिमाग तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। गुड़ मंडी में पहुंचते हुए तमाम व्यापारी और किस तरह से लगातार दुकानों को बंद कराते हुए, हाथ जोड़कर दुकानों को बंद कराते हुए गुड़ मंडी में प्रवेश करते हुए इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं गुड़ मंडी से, जहां पर तमाम किसान संगठनों के युवा कार्यकर्ता बाजारों में निकले हैं और बाजारों को बंद करवाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर करें। तो शुरू देख सकते हैं क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन। हम सभी दुकानदार भाई और व्यापारी भाइयों से भी अपील करना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से दुकानें बंद रखें, किसानों का सहयोग करें, अन्नदाताएं जो सड़कों पर पड़े उनका सहयोग करें, शांतिपूर्ण तरीके से करें। और हम सभी भाइयों से भी अपील करना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से दुकानें बंद करवाएं सभी भाइयों की। देख सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से हाथ जोड़कर दुकानों को बंद करवाते हुए हमारी और सभी से अपील है कि जितने भी लोग जिंदाबाद देख सकते हैं करनाल के गुड़ मंडी से निकलते हुए तमाम किसान व किसान संगठनों के युवा कार्यकर्ता। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस समय को देख रहे हैं, इस समय को जरूर शेयर कीजिएगा। और इस समय आप जो तस्वीरें देख सकते हैं गुड़ मंडी में पहुंचे हैं सभी और गुड़ मंडी की सभी दुकानों को बंद कराते हुए। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर जरूर करें। ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जिस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। ये लाइव तस्वीरें करनाल के मेन बाजारों की आप देख रहे हैं और इनको हमारी आप सभी से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर जरूर करें। तमिल मीडिया करनाल के लिए करनाल।